आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी यूपी में। बसपा ने इमरान मसूद को जिम्मेदारी दी है, बसपा के चुनावी धार को मजबूती देंगे इमरान मसूद, ये बात सामने आई है। आज मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे इमरान मसूद, ये भी बड़ी खबर है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि बसपा को मजबूत करने के लिए मेरठ में आज इमरान मसूद रहेंगे। बसपा से ही पुराना मेयर रहा है, तो इस तरीके से तीन बार बसपा को मेरठ में मेयर बनाने का अनुभव प्राप्त है, हौसले बुलंद है और अब प्रचार की जिम्मेदारी इमरान मसूद के कंधों पर दी गई है। जो सहारनपुर पहले चरण का चुनाव निपटाने के बाद अब रुक कर चुके हैं बसपा के कैडर को धार देने के लिए, साथ देने के लिए मेरठ में मौजूद रहेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे। सीधे लिए चलते हैं मेरठ, हमारे सहयोगी सनुज बने हुए हैं जो निकाय चुनाव की तमाम तैयारियों पर नजर बनाए हैं। आज अगर बसपा के खेमे से इमरान मसूद की बात की जाए तो उनकी मूवमेंट का खाका क्या है, कहां से कहां तक जाएंगे सनुज और क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी? देखिए, मेरठ नगर निकाय चुनाव की बात करूं तो बेहद दिलचस्प चुनाव यहां पर होने जा रहा है और महापौर सीट पर तमाम प्रत्याशी और तमाम पार्टियां बड़ा दावा ठोक रही हैं, लेकिन आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े और कद्दावर नेता इमरान मसूद की आज मेरठ में एंट्री होने जा रही है। बसपा प्रत्याशी हशमत मलिक के समर्थन में वो कई कार्यक्रम करेंगे, कई जो सभाएं हैं वो करेंगे और सारा जो कार्यक्रम है वो मुस्लिम इलाकों में रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा को लगता है कि जो मुस्लिम और एससी समीकरण के सहारे अब तक तीन बार मेरठ नगर निगम में अपना महापौर बीएसपी बड़ी आसानी से बना पाई है, उसी समीकरण को फिर यहां पर साधने की कोशिश है। 2017 में इसी समीकरण से सुनीता वर्मा महापौर बनी थी और बसपा की पूरी कोशिश ये है कि इस बार के चुनाव में भी जो बसपा का हाथी है वो चिंगाड़ते हुए नगर निगम पहुंच जाए। समाजवादी पार्टी से सीमा प्रधान है, वो भी साइकिल को पूरी उम्मीदों में दौड़ा रही है और कमल भी पूरी उम्मीद से खिलने की कोशिश कर रहा है कि शायद इस बार, दो बार चूंकि यहाँ पर बीजेपी के मेयर रहे, कि तीसरी बार यहाँ पर हो जाए, तो त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक बात इमरान मसूद की है कि देखा आपने किस तरीके से सहारनपुर नगर निगम को लेकर उनके भाई की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा गया, पूरी ताकत इमरान मसूद ने वहां पर दिखाई, पूरी ताकत झोंकी और ये कहा कि वहां पर चुनाव जीतेंगे और प्रथम चरण के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लेकिन आज दूसरे चरण को लेकर जो सियासी घमासान है वो बेहद मेरठ में जबरदस्त होने जा रहा है। लिसाड़ी गेट इलाके की बात हो, गोलाकुआं इलाके की बात हो, कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आज इमरान मसूद गरजेंगे। मुस्लिमों के बड़े नेताओं के तौर पर इमरान मसूद की गिनती होती है, अब हशमत मलिक के समर्थन में वो कितना चुनाव को धार दे पाएंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इमरान मसूद के आज मेरठ दौरे से बीजेपी की और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन जरूर थोड़ा बढ़ गई है कि अभी जिस तरीके से इमरान मसूद की एंट्री रही थी, इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुस्लिम वोटर्स कितने निर्णायक भूमिका में रहते हैं और एक बड़ा नेता जो उन्हीं के समाज से आता है क्या संदेश दे करके जाता है मायने रखेगा। आप नजर बना करके रखिएगा सनुज, फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो आज क्रांति की धरती मेरठ पर हलचल बढ़ी रहने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।